लगातार हो रही तेज बारिश से पहाड़ों पर तबाही जारी है। इस बीच हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में गुरुवार को बारिश के चलते बहुमंजिला इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गई। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में इस भीषण तबाही को देखा जा सकता है। कुल्लू में स्थित नए बस स्टैंड के पास प्राकृतिक आपदा देखने को मिली। यहां एक के बाद एक 7 मंजिला इमारतें सिर्फ 26 सेकंड में धराशाही हो गई। बताया जा रहा है कि लगातार हो रही बारिश के चलते इन इमारतों में दरारें आ गई थी। इसके बाद इन्हें 3 दिन पहले ही खाली करा लिया गया था। गुरुवार को 7 इमारतें ढह गई थी, जबकि एक पर अभी भी खतरा बना हुआ है। हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश का कहर जारी है। राज्य की राजधानी शिमला में 2017 मिमी से अधिक बारिश हुई। यहां 122 सालों का रिकॉर्ड टूट गया। हिमाचल के मंडी, शिमला और सोलन में पिछले 24 घंटे में बादल फटने की 4 घटनाएं हुई। राज्य में एक दिन में 11 लोगों ने बारिश से जुड़ी घटनाओं में जान गंवा दी। इनमें से 3 की मौत शिमला में, जबकि 8 की मौत मंडी में हुई। इस दौरान 18 वाहनों को भी नुकसान पहुंचा है। शिमला में कई सड़कों को एहतियातन बंद कर दिया गया। शिमला में करीब 35 घरों को खाली कराया गया। हिमाचल के हमीरपुर, मंडी, शिमला और सोलन में कई जगहों पर लैंडस्लाइड की घटनाएं हुई। राज्य में 3 नेशनल हाईवे और 538 रोड बंद कर दिए गए। हिमाचल में इस साल मानसून अपने साथ तबाही लेकर आया है। राज्य में लगातार हो रही बारिश और लैंडस्लाइड के चलते अब तक 300 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 10,000 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है। इतना ही नहीं, राज्य में करीब 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। कई सड़कें बह गई और सैकड़ों ब्रिज टूट गए। ब्यूरो रिपोर्ट, बीडीटीवी भारत।